कृपा सिंधु नर रूप हरे। गुरुत्व वो होता है जिनका आचरण जल कमलवत है, जो असंग आनंद है। संसार में आकर के, संसार के बीच में रह करके, संसार के माहौल से वो पूर्णतः असंग होता है। संसार में आकर संसार का रंग लग गया तो कहीं ना कहीं वाणी में, व्यवहार में संसार आ ही जाएगा। अगर वो उससे मुक्त है तो उनके किसी भी व्यवहार में ऐसा नहीं लगेगा। नररूप हरि, कभी 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 हमारे सदगुरु जहां उनका अधिकार होता है उसके लिए वो नरसंग बन जाता है। नररूप हरि यानी नरसंग। भगवान ऋषि जब प्रकट हुए, खंभा तोड़कर प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को पकड़ करके उनके भीतर जो मैं पड़ा था उसका ऑपरेशन भगवान ऋषि ने किया। दुनिया की सबसे पहली सर्जरी है यह। मरीज के अंदर गांठ पड़ी है तो डॉक्टर उसको निकाल देता है उसकी रक्षा के लिए। उसी प्रकार जब हमारे भीतर अहंकार पड़ा हो तो सदगुरु भी कभी कभी कठोर बन करके हमारे भीतर जो मैं पड़ा है, जो अहंकार पड़ा है उसका ऑपरेशन करता है। और वो हमें बचाता है। डॉक्टर शास्त्रों के द्वारा ऑपरेशन करते हैं जबकि सदगुरु शास्त्रों के द्वारा ऑपरेशन करते हैं, सूत्रों के द्वारा ऑपरेशन करते हैं। सदविचार के द्वारा कर रहे नरहरि है, सदगुरु भगवान ऋषि है। भगवान ऋषि का अवतार भयंकर है। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया था। उसी प्रकार सदगुरु भयानक ना होते हुए भी कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि ये उपदेश से बात बनने वाली नहीं लगती। कभी कभी अहंकार बन गया ना तब वो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। गांठ बन गई तो ऑपरेशन जरूरी। बीमारी बीमारी है तब तक दवाओं से काम बनता है, लेकिन जब गांठ बन गई तो ऑपरेशन अनिवार्य हो जाता है। उसी प्रकार साधक में और कोई भी दोष है तो गुरु अपनी वाणी के द्वारा समाप्त कर देते हैं, लेकिन जब साधक के अंदर अहंकार पड़ा है तब गुरु समझ लेते हैं कि ये बिना ऑपरेशन के काम नहीं बनेगा। तब उनको अपना एक नया रूप प्रकट करना पड़ता है, उनको ऋषि ही बनना पड़ता है, उनको आक्रामक बनना पड़ता है, उनको भयानक बनना पड़ता है। कुल मिलाकर के उनकी भावना है साधक का कल्याण। तो उनका व्यवहार बदल जाएगा, उनकी भाषा बदल जाएगी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि गुरु वाणी न तो मीठी होती है न तो कड़वी होती है, गुरु वाणी वेधक होती है। क्योंकि मीठा मीठा सुना करके दुनिया से उन्हें कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना, संसार को रिझाने का कोई मतलब नहीं है। और कड़वा कड़वा सुनाने का भी तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दुश्मनी तो है नहीं। दुश्मन जरूर कड़वा बोलेगा लेकिन गुरु कि हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं कि वो कड़वा सुनाए और मीठा मीठा बोल करके उन्हें क्या लेना है हमसे। गुरु का हेतु है
साधक का कल्याण हो, साधक की जागृति हो, इसलिए गुरु वाणी वेदक होती है। वो हमारे अंतःकरण में छेद कर दिया। सदगुरु अपनी वाणी के द्वारा साधक के अंतःकरण में छेद कर दे। जब हमारे अंतःकरण में ही छेद हो गया तो फिर दुनिया लाख प्रयास करे, दुनिया का कोई चित्र हमारी आंखों में छेद नहीं कर पाएगा, हमारी दृष्टि को खराब नहीं कर पाएगा। कलयुग में तो दसों दिशा से एक ही प्रयास होता रहता है कि बस कैसे आंखों में छेद कर दे, कैसे हमारी आंखें खराब कर दे, कैसे हमारी दृष्टि विकृत कर दे। दसों दिशाएं ऐसे आजकल। संसार के दृश्य हमारी आंखों में छेद करें, इसके पहले गुरुवाणी हमारे अंतःकरण में छेद कर दे, और उसके बाद दुनिया में कहीं भी घूमो फिरो, दुनिया का कोई दृश्य दृष्टि को खराब नहीं करेगा, विचार को भ्रमित नहीं करेगा, विचार को विकृत नहीं करेगा, क्योंकि अंतःकरण में छेद हो गया। ऐसा तब होता है जब गुरु को भी ऐसा लगता है कि मेरा अधिकार है। हर किसी के जीवन में संत अधिकार पूर्वक बात नहीं करता, संत को मालूम पड़ता है कि यह समर्पित है, और अगर मैंने इसका उद्धार न किया तो फिर कौन करेगा, मेरा कर्तव्य है, ये और तो कहीं जाने वाला है नहीं। अगर मैंने इसका उद्धार नहीं किया तो ये और तो कहीं जाने वाला नहीं। ऐसा समर्पण जब गुरु को दिखता है तब गुरु अधिकार समझ लेता है, और वो अधिकार पूर्वक अंतःकरण में छेद कर देता है।